आमतौर पे देखा गया है कुछ लोगों को कि वो हमेशा अपने मुंह में मिसवाक लेके चबाते रहते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है रोजे की हालत में, या हम सिर्फ नमाज के लिए जाएं तो मिसवाक कर लें, या हमें कंटिन्यू उसको मुंह में लेके चबाते रहना, या क्या ये करना सही है? अभी आपके सामने जो हदीस मैंने बयान की थी कि हर नमाज के वक्त या हर अजान के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी उम्मत पर ये दुश्वार ना होता, इस्लाम युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, कि इस्लाम बंदों से आसानी चाहता है, यानी बंदों के ऊपर आसानी इस्लाम पसंद करता है, इस्लाम अपने मानने वालों को मुश्किलात में नहीं डालना चाहता। अब अगर इस्लाम मिसवाक को वाजिब कर देता तो बहुत सारे लोग बेचारे वो बरत नहीं पाते इस चीज़ को, मुश्किल में पड़ जाते लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो मिसवाक करना ये मसनून है। कब? 5 औकात की रहनुमाई भी कर दी गई है जी, और वक्त मुतय्यन नहीं किया गया कि कब कब करना चाहिए। कहा गया कि उन्हें मजबूर कर दिया जाता या उन्हें हुक्म दिया जाता कि 5 वक्त में, लेकिन उन्हें आज़ादी दे दी गई। इसका माना यह है कि ये पूरे दिन का ये मामूल, यानी अपनी दांत को अपने जबान को साफ करना, ये हर मोमिन के लिए हमेशा मतलूब है। क्यों? दांत ना साफ करने की वजह से मुंह से बू आती है, इस मुंह से बू आने की वजह से एक मुसलमान भाई को या दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचती है, इस ज़रर से बचा जा सकता था और बचा जाता है। इस वजह से इस्लाम ने हुक्म दिया कि आदमी मिसवाक करे ताकि उसका मुंह साफ रहे, उसके मुंह से कोई बदबू ना आए और उसका मुसलमान भाई या कोई इंसान उसे तकलीफ महसूस ना करे। तो एक तो ये फ़ायदा उसके साथ रहा। हमारे यहाँ जैसे राइज है कि सुबह के वक्त ही सिर्फ इंसान मिसवाक करता है, लेकिन आज वो डॉक्टरों से पूछिए, वो समझते हैं, दांत का डॉक्टर कहेगा हमेशा कि कम से कम 3 बार मिसवाक करना ही चाहिए और 3 वक्त में इंसान अपने खाने खाता है। और आज तो आलम यह है कि इंसान दिन रात खाने में लगा रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ वो खाता ही रहता, तो उसके लिए तो और ज़रूरी हो गया कि हमा वक्त वो मिसवाक करता रहे जो है जी। अरबों में आप देखेंगे कि वहाँ इस चीज़ का रिवाज है, चलन है, और लोग अपने जेब के अंदर मिसवाक रखे रहते हैं। हमारे यहाँ आज ब्रश का रिवाज है, लोग ब्रश करते हैं, इसलिए ब्रश लेकर के तो चल नहीं सकते, उसके लिए पानी की ज़रूरत है, कहाँ करेंगे पानी से, कहाँ थूकेंगे, ये मसला आता। लेकिन मिसवाक ऐसी चीज़ है कि कभी भी जेब में रखा रहा, इंसान ने मिसवाक किया, नीम का है, पीलू का है या बबूल के दरख्त का है, उसने किया और उसका लुआब अगर उसने पी भी लिया तो वो तिब्बी नुक्ते नज़र से भी उसके सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, जरासीम को जो है मारता है, तो ये उसके फ़वाइद हैं। अब कोई आदमी बार बार मिसवाक करता है तो उसे इतना ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है जिस कदर वो मिसवाक करता रहे।